हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक नए अध्याय जो कि है सातवां अध्याय भगवत ज्ञान, यानी कि भगवान के बारे में गुह्यतम ज्ञान इस अध्याय में हमें प्राप्त होगा। तो आज हम इसके पहले श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या भगवान को कभी हम समझ सकते हैं? कैसे भगवान को जान सकते हैं? कैसे भगवान को पढ़ा जाए? कैसे भगवान को समझा जाए? तो इस गुहितम प्रश्न का उत्तर भगवान स्वयं इस अध्याय के पहले श्लोक में दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, मयि आसक्त मन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशय समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि तत्सुणो। भगवान ने यहां चार रास्ते बताए हैं उनको समझने के लिए। तो इन चार रास्तों को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम भगवान को जान पाएंगे। पहला, भगवान कह रहे हैं, मई आसक्त मना पार्था, हे पार्थ अर्जुन, मई आसक्त मनः, अपने मन को मुझ में आसक्त कर दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरणम युद्धचा मई अर्पितम मनः बुद्धि, अपना मन मुझे अर्पित कर दो, अपने नित्य कार्य करते रहो। ये नहीं है कि हमको घर बार छोड़ करके मंदिर बैठेंगे तभी भगवान कहेंगे ये मेरा भक्त है। हम नित्य प्रतिदिन अपने कार्य करते रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में हर समय पर करना क्या है, मेरा स्मरण करना है। मई अर्पितम मनः बुद्धि, अपना मन बुद्धि मुझे दे दो। तो भगवान कह रहे हैं, मई आसक्त मनः पार्थ, उस मेरे मन में अपनी आसक्ति को बढ़ाओ। संसार में हमारी आसक्ति होती है, परिवार में हमारी आसक्ति होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझ में अपनी आसक्ति को बढ़ाओ। दूसरा, भगवान कहते हैं, योगम युंजन मदाश्रय, योगम युंजन, इस भक्ति योग की प्रक्रिया में लग जाओ। भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवद गीता ग्रंथ को पढ़ना, इसको प्रारंभ करिए। गीता वीकली हमारे चल रहे हैं और इस गीता वीकली के हम 50th एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। तो इसको हमें जरूर गीता को पढ़ना चाहिए, विशेष रूप से अभी गीता जयंती उत्सव चल रहा है। इसी महीने मोक्षता एकादशी के दिन गीता जी प्रकट हुई थी संसार में, तो वो गीता को हमें पढ़ना चाहिए। ये भक्ति योग है, जो कुछ भी करें उसे भगवान से जोड़ करके देखना चाहिए। प्रसाद भगवान को खाना जो खाएं, भोग लगा के खाएं। हम अगर वह अपने जीवन में कुछ धन अर्जित करते हैं उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में लगाएं, तो भगवान कह रहे हैं भक्ति योग में लगो, योगम युंजन, इस योग का प्रयास करते रहो, भक्ति योग का। तो पहला कहा, मई आसक्त, अपने मन को मेरे मन में आसक्त कर दो। दूसरा, योगम युंजन, इस भक्ति योग का अभ्यास करो। और तीसरा, भगवान कह रहे हैं, मद आश्रय, किसी और का नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद भगवान जो है ना वो कृष्ण कह रहे हैं किसी निराकार का आश्रय लेने के लिए, किसी परम शक्ति का आश्रय लेने के लिए, लेकिन ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्योंकि गीता का ज्ञान स्वयं कृष्ण ने दिया था, वही श्री भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं, वो इकला ईश्वर कृष्ण कह रहा है मद आश्रय। हमने संसार में कितने लोगों का आश्रय लिया है, कभी हम अपने बॉस का आश्रय लेते हैं, कभी हम अपने परिवार का आश्रय लेते हैं, कभी बच्चा अपने माता पिता का आश्रय लेता है, पत्नी अपने पति का आश्रय लेती है, तो इतने सारे आश्रय हम लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्रय है गुरु आश्रय, भगवान का आश्रय। ये अगर हम लें तो भगवान यहां कह रहे हैं मद आश्रय, मेरे आश्रय में आ जाओ। भगवान एक ऐसा छाता है जिनके नीचे समग्र ब्रह्मांड समा सकता है, तो मद आश्रय। तीसरी चीज भगवान ने कही, मेरा आश्रय लो। और कह रहे हैं क्या भगवान कहते हैं, यथा ज्ञास्यसि तथा श्रुणो, अगर मुझे जानना चाहते हो तो ध्यान से मेरी कथाओं को तत् श्रुणो, इसको आप सुनो अर्जुन। तो भगवान ने यहां चार चीजें बताई, मन को मुझ में लगाओ, भक्ति योग में लग जाओ, और साथ में मेरा आश्रय ग्रहण करो, और मेरी कथाओं को ध्यान से सुनो, तत् श्रुणो भगवान यहां कह रहे हैं। हमारी सुनने की आदत नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते है ना, हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। भगवान की कथाएं जितनी सुनेंगे उतनी जल्दी हमारी ग्रंथियां जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर की ये सब से हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है, श्रवताम सो कथाम कृष्णा पुण्या श्रवण कीर्तना हृदंतस्तो हि भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम। श्रवताम सो कथाम कृष्णम, कृष्ण की कथाओं को जो सुनते हैं
पुण्यम श्रवण कीर्तन, इस श्रवण कीर्तन से बड़ा पुण्य इस संसार में और कोई नहीं है। हृदंत ही अभद्राणी, जो अमंगल है, अभद्राणी अमंगल है, ये सबका नाश हो जाता है। विदनोति सुहृत्सताम, भगवान हमारे मित्र हैं, हमारे हृदय में ही बैठे हैं, और वहां बैठे बैठे ही जैसे ही हम कृष्ण कथा सुनते हैं, अंदर बैठकर जैसे धोबी गंदे कपड़े को धोता है, भगवान विधुनोति धो डालते हैं पूरा का पूरा, हमारे चित्त को शुद्ध कर देते हैं। ये भगवान कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ट की। नित्यम भागवत सेवया, ऐसे नहीं गीता वीकली सुन लिया, नित्यम रोज गीता पढ़नी चाहिए, रोज गीता सुननी चाहिए। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके, उस उत्तम श्लोक भगवान की, जिनको उत्तम श्लोकों से उच्चारण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, भक्तिर भगवती निष्ठ की, निष्ठावान हो जाता है। किसी के बोलने पर फिर वो व्यक्ति भगवान को छोड़ेगा नहीं, वरना कोमल श्रद्धा के स्तर पे क्या होता है, व्यक्ति भगवान को त्याग देता है। कोई कहता है, अरे तुम कहां फंस गए साधुओं के चक्कर में, इससे कुछ नहीं होने वाला, अरे चलो मजे करके आते हैं, घूम कर आते हैं चलो थोड़ा सा, और व्यक्ति घूमने के चक्कर में इतना घूम जाता है कि जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता ही रहता है। तो इसलिए भगवान की कथाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। और कहते हैं आगे श्रीमद् भागवत के इसी स्कंद में आता है, भिदते हृदय ग्रंथि शिच्छन्दन्ते सर्व संशया शियन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवम् आत्म ईश्वरे। एक ईश्वर क्या करते हैं, हमारे हृदय ग्रंथियों का छिंदन कर देते हैं पूरी की पूरी। हम गांठें लगी हुई है हमारे अंदर, किसने वो बोल दिया, एक गांठ, उसने ऐसा किया दूसरी गांठ, गांठ ही गांठ, गांठ ही गांठ, इतनी गांठ है। और ऊपर से हम लोग वर्षगांठ बनाते हैं, जन्मदिन एनिवर्सरी वर्षगांठ, और गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, वर्षगांठ में तो एक दूसरे को यही बधाई देनी चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान से आपके लिए कि आपके हृदय की गांठें खुल जाएं। भिदंत हृदय ग्रंथि, भिंदंती भेद डालती है भगवान की कथा, हृदय की ग्रंथि खुलने लगती है। जैसे जैसे कान में कृष्ण कथा प्रवेश करेगी, हृदय ग्रंथि खुलेगी 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 और पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपके सामने एक स्वेटर बनाने के लिए सर्दियों में ऊन का गोला पड़ा हो और उसमें एक गांठे पड़ गए, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो एक स्वेटर बनाना है तो पहले उस ग्रंथि को खोलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें भक्ति रूपी आनंद रूपी एक स्वेटर बनाना है तो पहले हृदय ग्रंथियों को खोलना पड़ेगा। और हृदय ग्रंथि जैसे ऊन की लगी ग्रंथि सुई से निकाल निकाल कर खोली जाती है, ऐसे ही हृदय की ग्रंथि कृष्ण कथा श्रवण कर करके खोली जाती है। इसलिए भगवान कह रहे तत्स्रो, इसलिए ध्यान से आप अब तक सुनते आए हैं और अब हम 6 अध्याय गीता के सुन चुके हैं और आगे अब हम मध्यम 6 अध्याय जो भक्ति योग का विषय बताएंगे, इसे अवश्य हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम एक प्रश्न लेने वाले हैं। लोग अक्सर बोलते हैं मेरे परिवार के लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरे मोहल्ले के लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, और सब लोग भक्त नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा क्यों है, हम तो बहुत प्रयास करते हैं सबको भक्त बनाने का लेकिन सब लोग भगवान के बात को सुनते नहीं हैं, कहते हैं अरे तुम तो साधु बन गए हो, तुम तो मीराबाई बन गए हो, तुम तो सूरदास बन गए हो, तुम इस प्रकार से लोग भक्तों का नाम लेकर के हमको प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर भगवान से कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 में दिया है। भगवान कहते हैं अर्जुन मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किश्चित यताति अपि सिद्धये यताति माम अपि सिद्धानाम किश्चित माम वेति तत्वतः। मनुष्याणाम, मनुष्य जितने भी है, सहस्त्रेषु हजारों हजारों मनुष्यों में से किश्चित यताति अपसिद्धये, कोई कोई व्यक्ति ही भगवान को समझने का प्रयास करता है। ये डेटा भगवान ने स्वयं अर्जुन को आज से 5000 साल पहले कल के दिन मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता जयंती के दिन 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने दिए थे और भगवान ने ये डेटा आज से 5000 साल पहले दे दिया कि देखो अर्जुन
हजारों हजारों मनुष्यों में से, मनुष्य नाम सहस्त्रेशु, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई कोई मेरी प्रयास करेगा मुझे जानने का। और यताति माम अपि सिद्धानाम, और जो सिद्ध समझने के मार्ग पर जो पुरुष लगेंगे, जो भक्ति के मार्ग पर लगेंगे, उनमें से भी किश्चित माम वेति तत्वतः, कोई कोई ही मुझे किश्चित, हो सकता है कोई माम वेति मूल को पूर्ण रूप से तत्व से जान जाए। तो तत्व से जानने का क्या मतलब है? तत्व से जानने का मतलब है कि कृष्ण भगवान आदि पुरुष हैं। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण भगवान के भक्त तो बहुत मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि भगवान कृष्ण तो सभी रूपों में विराजमान है, कृष्ण का भजन करो या किसी और का करो, बात तो एक ही है। या तो वो बोलेंगे कि कृष्ण भगवान विष्णु से अवतार लेकर के आते हैं, और कुछ लोग बोलेंगे शिव जी भी तो कृष्ण भगवान ही है, कृष्ण को पूजो शिव जी को पूजो, एक ही बात है। लेकिन नहीं, ईश्वरम परम कृष्ण, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं ईश्वरम परम कृष्ण। अगर ब्रह्मा जी कंफ्यूज है तो बोल सकते थे ईश्वरम परम विष्णु, क्या वो कंफ्यूज है? नहीं, उन्होंने ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, वो विग्रह जो सत है, एटर्नल है, यानी कभी समाप्त नहीं होता, जो पूर्ण ज्ञानी है, चित है और आनंद मूर्ति है भगवान। तो भगवान अपने अनेक अवतार लेते हैं, लेकिन अनेक अवतार लेने के बाद में भी अपनी जो एकमात्र उनका आदि पुरुष रूप है ईश्वर कृष्ण का, यशोदा नंदन कृष्ण, वो अपना बनाए रखते हैं गोविंद। तो ये ब्रह्मा जी का बोला हुआ बात। लेकिन लोग जो दूसरे मार्ग पर चलते हैं वो कहते हैं कि अरे ये सब तो है ना, इन्होंने बना दिया, इस्कॉन के भक्तों ने बना लिया, या फिर ये गौड़ीय वैष्णव लोगों ने बना लिया। सच्चाई तो ये है कि है ना, भगवान तो एक शक्ति है। इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं और कहते हैं अरे ये कौन सा मंत्र हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कोई मोक्ष का मंत्र है, ये कोई मोक्ष मार्ग है। बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो बड़ा सुगम मार्ग है, इतनी सरलता से कोई भगवान मिल जाएंगे कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, गीता पढ़ ली, कथा सुन ली, ऐसे भगवान मिलते हैं क्या? तो फिर वो जो लोग हैं, वो अगर सुगम मार्ग है तो सरलता की चीज छोड़कर के कठिन मार्ग क्यों? हर व्यक्ति अपना करियर जब बनाना चाहता क्या कहता है, मुझे कोई इजी वे बता दीजिए। दुनिया में हर आदमी इजी वे, क्विक, और इसीलिए आज फास्ट फूड, फास्ट शॉर्ट फॉर्म्स चलती है। कनॉट प्लेस जाएंगे तो सीपी बोलेंगे, लाजपत नगर जाएंगे तो एलएन बोलेंगे, साउथ एक्सटेंशन जाएंगे तो साउथ एक्स बोलेंगे दिल्ली में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं लोग शॉर्ट में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है, जब कि कहते हैं कि ये मार्ग सरल है, तो सरल मार्ग को अपनाते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए श्रील रूप गोस्वामी हमारे महान आचार्य हुए, और उन्होंने षड गोस्वामियों में से उन्होंने भक्ति रस आमृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में उन्होंने बता दिया ये लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि ये लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि विना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पाते वही कल्पते। अगर श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण के बिना अगर कोई भक्ति करेगा, ड्रामेबाजी करेगा, तो वो व्यक्ति उत्पात एव ही कल्पते, सही मायने में संसार में उत्पात मचाएगा। भगवान निराकार है, भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, अरे पत्थर पूजने से तो हरी मिल जाते हैं, तो इससे अच्छा तो पहाड़ पूज लो। उत्पात एव ही कल्पते, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ रहे, श्रुति स्मृति नहीं पढ़ रहे। और अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर लगना चाहे तो उसके लिए बड़ा सरल है कि कैसे लगे इस मार्ग पर, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राम इंद्रिया सेवन उन्मुख ही जिह्वा दो स्वयं एक स्फुरति अदा। बताते हैं कि सेवा उन्मुख की जिह्वा दो, इस जिह्वा से भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथा करनी है, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है। सेवा यहीं से प्रारंभ हो जाती है भगवान की, लेकिन हर एक के जीवन में नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान चुनते हैं, किसी किसी एक व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है, उसी को भगवान भक्ति के मार्ग में लाते हैं। अनेक अनेक जन्मों में घूमने के बाद किसी व्यक्ति को कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। भगवान सबको, इसीलिए भगवान ने डेटा दे दिया था 5000 साल पहले, मनुष्य नाम सहस्त्रेशु, हजारों हजारों प्रयास करेंगे, उन हजारों में से कोई एक प्रयास करेगा, और उन हजारों प्रयास करने वालों में से कोई एक मुझे समझ पाएगा। मतलब आप सोच रहे लाखों लाखों लोगों में से कोई एक भक्त बनेगा, इसलिए सारे भक्त बन जाए
बड़ा मुश्किल है। और अगर आपको भगवान ने चुन लिया है, आप भक्ति कर रहे हैं, तो अपने को सौभाग्यशाली मानिए। ऐसा सौभाग्य कई जन्मों के बाद उदय होता है। आशा करते हैं आप गीता पढ़ते रहेंगे, गीता जयंती के दिन गीता दान देंगे, गीता पढ़ेंगे, गीता श्रवण करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है गीता वीकली में। कल नववर्ष 2021 हम सब मिलकर के बनाएंगे। आप सबको इस नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ में हर व्यक्ति को एक मैसेज देना चाहते हैं कि नववर्ष में वो कार्य करना चाहिए प्रथम दिवस जो पूरे वर्ष व्यक्ति करना चाहता है। और इसीलिए लोग उत्साह से मंदिरों की ओर जाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं ताकि पूरे वर्ष सुखमय मंगलमय हो। तो कौन सा कार्य करें, कौन से भगवान के मंदिर जाएं, ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए, आप भगवान कृष्ण के मंदिर जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन के मंदिर हर गली कॉर्नर, हर सिटी स्टेट में आपको मिलेंगे, हर कंट्री में मिलेंगे। आप जहां भी रहते हैं वहां पास में इस्कॉन मंदिर जाइए, कृष्ण मंदिर जाइए। और कृष्ण मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोरोना काल है, तो आप गीता को पढ़िए, गीता वीकली को सुनिए, भगवान के नाम का जाप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कहेंगे ये सब हम क्यों करें, कृष्ण मंदिर ही क्यों जाएं, किसी और मंदिर क्यों ना जाएं? क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये मैसेज अर्जुन को दिया था 7वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में। भगवान कहते हैं, मत परतरम न अन्यत् किश्चित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणावः। भगवान ने कहा मत पर तरम न अन्यत्, मुझसे श्रेष्ठ संसार में कुछ भी नहीं है, तो फिर श्रेष्ठ की ओर जाना चाहिए ना, श्रेष्ठ की ओर जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है धनंजय, किश्चित अस्ति, कुछ भी रंच मात्र भी मुझसे बढ़कर नहीं है, तो क्यों ना भगवान कृष्ण की शरण ली जाए। कहते हैं द फैमिली विच प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, जो परिवार साथ में भजन करते हैं वो भगवान उनको साथ में रखते हैं। आज हम देखते हैं परिवारों में कलेश है, कलह है, लोग अपने माता पिता को नहीं पूछ रहे, माता पिता बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी के झगड़े चल रहे हैं, भाई भाई में वाद विवाद हो रहा है, क्या कारण? भगवान ने कहा मई सर्वम इदम प्रोक्ताम, मैं ही हूं सब कुछ, लेकिन तुम लोग मुझे देख नहीं पाते हो। क्यों? मैं कैसे हूं? जैसे सूत्रे मणि गणायवाम, मणियों की माला के अंदर जो सूत्र धागा है वो मैं हूं। आज हमारे परिवार में मणियों जैसे रिश्तेदार हैं, मणियों जैसा परिवार है, मोतियों जैसा परिवार है, सुंदर परिवार है, लेकिन सुख नहीं है, क्योंकि अंदर कृष्ण रूपी धागा टूट गया है। माला में से धागा तोड़ दीजिए, सारे मोती बिखर जाएंगे, इसीलिए आज लोग बिखर गए। परिवार साथ नहीं है, मित्र मित्र नहीं साथ में है, एक दूसरे से जलते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं सोसाइटी में। इसलिए कृष्ण को सूत्र रूप में अगर जोड़ दें तो माला फिर से आपकी पूर्ण हो जाएगी। लोग बोलते हमने तो नहीं देखा, कैसे इस बात पर भरोसा कर लें? शास्त्र प्रमाण है, भगवान कह रहे हैं मुझसे भरकर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको शास्त्र प्रमाण को कथा रूप में समझना चाहें तो एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार राजा थे, उन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं जानता हूं कि तुम भगवान पर बड़ा विश्वास करते हो, तुम्हारी बड़ी भगवान पे असीम श्रद्धा है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा भगवान कहां रहता है, तुम्हारा भगवान कैसे मिलता है और तुम्हारा भगवान क्या करता है। मंत्री ने कहा, राजा जी, इसके लिए प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे आपके सैनिकों से एक बड़ा भगोना दूध का मंगवाना पड़ेगा। अरे, दूध की क्या आवश्यकता है, भगवान के बीच में ये दूध कहां से आ गया? कहा मंगवाइए ना। राजा कहते ठीक है, दूध लेकर आया जाए। एक भगोनी दूध आया। बोले राजा, इस दूध के अंदर आपको घी दिखता है? कहा घी नहीं। कहा क्या दूध में से घी नहीं निकलता है? कहा हां निकलता है। इसका मतलब दूध में घी है? हां है। बोले ऐसे ही मेरा ईश्वर है, इसी भौतिक जगत में है, इसी जगह पर है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। तो बोले फिर तुम्हारा प्रभु दिखता कैसे है, मिलता कैसे है?
कहा उसके लिए जैसे दूध से घी को निकालने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही हमें भगवान तो कण कण में है। रामचरितमानस में आता है कि भगवान तो कण कण में विराजमान है, लेकिन प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, जब आप प्रेम करेंगे, प्रेम से भजन करेंगे, गीता पढ़ेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, वही प्रभु जो सर्वत्र है, वो सर्वत्र प्रचार सर्वत्र है, विश्व के हर अणु में है, इसलिए उनका नाम विष्णु है, वही कृष्ण है। दिखेंगे कैसे? प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नाम जप करो, गीता पढ़ो, भगवान का दर्शन होगा, अनुभव गम में भगवान अनुभव में आ जाएंगे। तो कहा अच्छा, ये बात तो ठीक है। कहा जैसे दूध में से घी निकालने के लिए मथना पड़ता है, ऐसे ही अपने जीवन को भक्तिमय मथना पड़ेगा, प्रभु के दर्शन होंगे। कहा अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, तुम्हारे प्रभु कहां रहते हैं, मिलते कैसे हैं, ये बताओ तुम्हारे प्रभु करते क्या हैं। कहा मेरे जो प्रभु कृष्ण है ना, वो क्या करते हैं? इसका उत्तर देने के लिए राजा आपको मेरी जगह पर आना पड़ेगा और मुझे वहां गद्दी पर बिठाना पड़ेगा। राजा बोला ऐसा क्या? बोले आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए? कहा हाँ वो तो चाहिए। कहा ठीक है, फिर आप इधर आइए, हमको वहां बिठाइए। तो भगवान की बात को उत्तर देने के लिए मंत्री गद्दी पर जाकर बैठ गए राजा की, और अपने स्थान पर आकर राजा को खड़ा कर दिया। राजा ने कहा अरे मंत्री, अब गद्दी पर बैठ गए, उत्तर तो दो। तो मंत्री कहता है मेरे प्रभु बस यही करते हैं, पल भर में किसी को राजा से मंत्री बना देते हैं और मंत्री को राजा बना देते हैं। देखिए मैं आपकी गद्दी पर बैठ गया हूं, यही मेरे प्रभु का कार्य है। सारे सैनिक, सारे सभा हंसने लग गई ठहाके मार करके, बोले वाह क्या उत्तर दिया है। ऐसे ही कृष्ण न जाने आपके जीवन में आपको क्या दे देंगे, ये शायद आपको भी नहीं पता, भगवान आपको क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे लेना चाहते हैं तो एक बार उनकी ओर मुड़ करके देखिए, प्रभु इंतजार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण इंतजार कर रहे हैं हम भक्तों का, कि हम उनको कब धन्यवाद देंगे कि आपने हमें इतना कुछ दिया, प्रभु हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। उनके साथ हैप्पी न्यू ईयर मत करिए, लोगों को उनको लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी हो ना हो, लेकिन हरे कृष्ण न्यू ईयर बोलिए। हरे कृष्ण न्यू ईयर बोलने से लोगों के जीवन में कृष्ण आएंगे। एक बार भी कृष्ण का नाम लिया तो कृष्ण आपकी ओर मुड़कर देखते हैं, किसने मेरा नाम लिया, कौन है मेरा प्यारा भक्त, और फिर भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। क्यों? भगवान कह रहे हैं मत पर तरम अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर के कुछ भी नहीं है, मैं सब सर्वश्रेष्ठ हूं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रभु की शरण आप जुड़िए इस नववर्ष में, अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। आप सबका नववर्ष मंगलमय हो, कृष्ण भजन करते हुए, गीता वीकली देखते हुए, गीता पढ़ते हुए, भगवान के नाम भजन में बीते, इसी शुभकामनाओं के साथ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है। लोग अक्सर बोलते हैं कि ये माया के चंगुल से कैसे बचा जाए। माया, लोग बोलते हैं मोह माया, माया में फंसा हुआ हूं, प्रभु जी माया नहीं छूटती है। तो इस प्रकार से माया से बचने का उपाय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। भगवान ने यहां पर कहा देवी ही ऐसी गुणमयी, ये जो माया है ये भगवान की दैवी यानी कि दिव्य प्रकृति का कार्य है। तो आज हम यहां पर 5 ऐसे पॉइंट्स को चर्चा करेंगे जिससे हम समझ सकते हैं माया के चंगुल से कैसे बचा जाए। पहली चीज को समझने वाली यह है कि जो जीवात्मा है जिसे भगवान का अंश यानी कि सच्चिदानंद यानी कि हम जीव भगवान के अंश हैं, तो भगवान की 2 प्रकार की शक्ति है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो हम लोग जो ये भगवान की दिव्य शक्ति के अंश है तो हम भगवान को भूल करके समाज की सेवा में लग जाते हैं, कभी सोसाइटी की सेवा में लग जाते हैं, कभी परिवार की सेवा में लग जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं। हम दूसरी बात ये समझने वाली है कि हम लोग मायाबद्ध जीव हैं। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नित्य सिद्ध और एक नित्य बद्ध। बद्ध मतलब जो बंधा हुआ है। जीवात्मा अनादिकाल से, अनादिकाल का मतलब है वो काल भी स्मरण नहीं है जब हमें बांधा गया था। तो किससे बांधा गया था?
तीसरी चीज समझने वाली है, भगवान कहे देवी ऐसी गुणमयी, गुण यानी कि तीन प्रकार के गुणों की रस्सी से हमें बांधा गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम देखते हैं कि गुण को रस्सी या रज्जू कहकर के भी पुकारा जाता है शास्त्रों में। हम किसी न किसी गुण से बंधे होते हैं, और एक व्यक्ति जो रस्सी से बंधा है क्या वो अपनी रस्सी स्वयं खोल सकता है? मान लीजिए कल को किसी ने आपको किडनैप कर लिया और आपके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, अब ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? पुकारेंगे उसको जिसके हाथ खुले हो, जिसके हाथ बंधे ना हो, वरना जिसके खुद बंधे हैं। अब साथ में चार लोगों को बांध करके किडनैपर ने रखा है, कैसे हम बच पाएंगे? तो भगवान कह रहे हैं ये मेरी दिव्य प्रकृति है जो कि तुमको बांध करके रखती है तीन गुणों की रस्सियों में, तो बचेंगे कैसे? भगवान कह रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव। अभी समझने वाली बात है, लोग कहते हैं पूजा पाठ करो और ये करो वो करो, कई प्रकार के कर्म कांड सिखाते हैं, तो क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं जो गीता का उपदेश दिया, समझने वाली बात है, वो कृष्ण ने दिया महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कृष्ण ही तो थे। तो कृष्ण कह रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते। अब लोग बोलते नहीं नहीं जी, भगवान ने तो नहीं कहा, भगवान तो निराकार है, भगवान तो एक शक्ति है, एक लाइट है। भगवान कह रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव मतलब मेरे अलावा और कुछ नहीं, मेरे प्रपद्यन्ते मतलब शरणागति। अगर तुम मेरे शरण में आते हो, माया में ताम तरंति ते, माया के इस चंगुल से तुरंत छूट जाओगे, मोह माया से मुक्त हो जाओगे। लेकिन भगवान की शरण में लोग आते नहीं है। कृष्ण शरण में आने का मतलब है भगवान के इन गीता के उपदेशों को आत्मसात करना, जीवन में उनके अनुसार जीना, भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जाप करना और गीता के प्रवचन को नियम पूर्वक सुनना। अगर कोई व्यक्ति ये काम कर ले, श्रवण कीर्तन और जाप, तो फिर वो देखेगा कि उसके जीवन में मोह दूर चले गए, माया का इंपैक्ट नहीं होता है उसके ऊपर। यहां तक कि स्वयं भगवान के तीन प्रकार के अवतार हैं जो तीन गुणों से प्रकट होते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा जी, तमोगुण से शिव जी और सतोगुण से विष्णु जी। स्वयं जो भगवान के तीन त्रिगुणा अवतार हैं उसमें शिव जी कहते हैं, अनेक उपनिषदों और पुराणों में इस बात की पुष्टि होती है, वो कहते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशय। विष्णु के अलावा और कोई नहीं मुक्ति प्रदान कर सकता है, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, मुक्ति दाता एक मुकुंद। इन माया के चंगुल से एक ही व्यक्ति आपको मुक्त कर सकता है और वो है कृष्ण। तो यहां पर पांचवी बात यह समझने वाली है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो मरणोपरांत मुक्त करेंगे, ये तो समझ में आता है, लेकिन जीते जी जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। आप कहें कैसे? जैसे कोई मालिक है, उसके घर में सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड आपको जाने नहीं दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं मालिक को जानते हो? आप कहेंगे नहीं मालिक को तो नहीं जानते, फिर अंदर कैसे जाओगे? तो हम जा नहीं पाए। लेकिन अगर मालिक को जानते हो तो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड आपको रोकेंगे नहीं, मालिक पहले से इन्फॉर्म कर देगा, अरे मेरा एक जानकार व्यक्ति आने वाला है, तुरंत गार्ड्स आपको अंदर तक घर के अंदर छोड़ने के लिए जाएंगे। तो वो अगर हो पाएगा ये उसी के साथ होगा जो मालिक से जिसकी जान पहचान है। तो मालिक से जान पहचान होना ही कृष्ण भक्ति है, यही शरणागति है। कृष्ण को अधिक जानने के लिए अधिक श्रवण करना चाहिए, उनको अधिक जानने के लिए उनको अधिक पढ़ना चाहिए। कहते हैं the detail is a symptom of love, जब हम किसी व्यक्ति की ज्यादा डिटेल निकालते हैं तो हमें प्रेम होता है। कई बार लोग सोचते हैं अरे इस्कॉन वाले भक्त या कृष्ण भक्त तो बड़े संकीर्ण विचारधाराओं पर हैं, ये सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, ये तो खाली कृष्ण कृष्ण करते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता में ये बात बोल दी थी। तो भगवान की जो हम एक दिव्य अंश है सच्चिदानंद, इस अंश का एक ही कर्तव्य है उस स्वामी कृष्ण की सेवा करना। भगवान कह रहे हैं माम एव प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओगे माया में ताम तरंति ते, वरना अगर नहीं आए, माया जो है वो बड़ी दुर्तया है, इसको पार कर पाना बड़ा कठिन है। तो आप लोग अगर माया के चंगुल से बचना चाहते हैं तो आज ही कृष्ण शरणागति करिए, और कृष्ण हमारे पिता है। भगवान गीता में कहते हैं अहम बीज पदा पिता, मैं ही पिता हूं, पिता इंतजार कर रहा है कब पुत्र पुनः लौट करके आएगा। तो पुत्र का कर्तव्य अपने पिता को प्रेम करना, ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये कर्तव्य है।
हर एक को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो। कृष्ण का स्मरण कृष्ण की सेवा ये कर्तव्य है, ये कोई धर्म नहीं है। लोग बोलते हैं ये तो धर्म है, धर्म नहीं है, कर्तव्य है। धर्म क्रोधितः केटव निर्मत्सराणां मताम, भागवत में कहा गया अनेक अनेक धर्म है लेकिन एक ही असली धर्म है कि जिसने सृष्टि को बनाया जिसने हमको बनाया उनको धन्यवाद देना, उनकी शरण में जाना। इतना कर लीजिए माया आपको नहीं पकड़ पाएगी, आएगी लेकिन पकड़ नहीं पाएगी, सिक्योरिटी गार्ड होंगे लेकिन आपको रोकेंगे नहीं। इसलिए कृष्ण शरण लीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े विशेष प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि लोग भगवान की शरण में आते क्यों नहीं है। हम इतने सारे लोगों को बोलते हैं चलो चलो हमारे साथ मंदिर चलो, चलो गीता पढ़ो, लेकिन लोग आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में दिया था। भगवान ने अर्जुन को कहा था आज से 5000 साल पहले ही कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। वो कौन है? तो आइए जानते हैं भगवान से कृष्ण के द्वारा। भगवान कहते हैं नमा दुष्कृतो नामूढ़ा प्रपाध्यन्ते नराधमा मायाया प्रहत ज्ञान आसुरं भाव आश्रित। भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतो मूढ़ाम, दुष्कृतो। अब यहां शब्द इस्तेमाल किया गया इस श्लोक में भगवान के द्वारा दुष्कृतो, यानी कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में गंदे काम किए हैं, गलत काम किए हैं, दुष्कृतो। कृतो मतलब कर्म, दुष मतलब कि खराब। एक होता है सुकृति, एक होती है दुष्कृति। जो सुकृति करी है वो अच्छे काम है, जो दुष्कृति है वो बुरे काम है। हम भी बोलते हैं ना बुरा मत करो, लेकिन लोग बुरा करते हैं जाने अनजाने, और उस बुरे के कर्म का नतीजा यानी कि फल होता है अगले जन्म में 4 प्रकार के लोग उत्पन्न होते हैं। भगवान ने उन चारों का वर्णन किया। मूढ़ाम, पहला कहा मूढ़ाम। ये मूढ़ाम संस्कृत शब्द का मतलब है मूर्ख। मूर्ख भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो कौन है मूर्ख? आदमी सोचेगा मूर्ख यानी कि कोई पागल व्यक्ति है जो कि पागल खाने में रहता है। नहीं, पागल की बात नहीं हो रही है। समाज में आज जो व्यक्ति रात दिन ये सोचता है कि मैं मेहनत करता हूं इसलिए मुझे खाना मिलता है, वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। क्योंकि सबको देने वाला तो ईश्वर है, प्रभु है। ईशा वास्यम इदम सर्वम यत किंचाय जगताम जगत। इस पूरे समाज में जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण का। ईशा वास्यम इदम सर्वम, हर चीज भगवान की है और भगवान की सेवा में जानी चाहिए। भगवान ही उसका अरेंजमेंट करते हैं, हमें सिर्फ अपना कोटा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लोग चिंता में होते हैं अगर मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं वैसा काम नहीं करूंगा। हम इसके खिलाफ नहीं है कि आपको काम धंधा छोड़ देना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन काम में इतना ना व्यस्त हो जाएं कि भगवान को ही भूल जाएं। तो आज समाज क्या करता है? उदाहरण दिया गया है जैसे कि गधा होता है। उस गधे को पता है कि मैं धोबी के लिए काम करूंगा, अपने कपड़े धोने के लिए जाऊंगा और कपड़े धोने के बाद ढोकर के लाऊंगा, तो पहले धोने के लिए फिर ढोने के लिए, तो फिर सोचता है शाम को शायद मेरा मालिक थोड़ी घास दे देगा। तो ये जो भावना है गधे की भावना है, वो मूर्ख है। उसे पता नहीं है कि अगर मालिक जो धोबी है उसको छोड़ दे तो घास तो चारों तरफ है, फ्री में मिल जाएगी। लेकिन उसको लगता है मेहनत करता हूं इसलिए मिलती है। ऐसे हमको लगता है मैं करता हूं। लेकिन हमने ऐसे कई देखे हैं घर जहां पर माता पिता भी नहीं है लेकिन बच्चों को रोज खाना मिलता है। जिनके माता पिता जिन बच्चों को छोड़ देते हैं उनको भी खाना मिलता है। कोई आदमी होता है गद्दी पर चिपक के बैठ जाता है, कहता है मैं चला रहा हूं इस कंपनी को, इस कंट्री को, लेकिन थोड़े समय बाद वो नहीं रहता, फिर भी कंपनी चलती है, फिर भी कंट्री चलती है। तो हम इस भावना पर काम करना चाहते हैं, हम आपका काम नहीं छुड़वाना चाहते हैं। तो ये समझना चाहिए मूढ़ाम भगवान की शरण में मूर्ख ऐसे नहीं आते हैं। दूसरा क्या कहा? भगवान कहते हैं प्रपधन्ते नराधम, नरों में जो अधम है वो भगवान के पास नहीं आएंगे। भगवान कहते हैं एक होते हैं नरों में ऊपर और एक होते हैं नरों में नीचे, नर यानी कि इंसानों में। नर अधम, नरों में जो नीचा व्यक्ति है वो व्यक्ति कभी भगवान की शरण में नहीं आएगा। तो नरों में कैसे खराब व्यक्ति होते हैं? ऐसे होते हैं जो हमेशा तर्क वितर्क करते रहते हैं। चल तर्क वितर्क की इतनी भावना होती है उनके अंदर कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हर चीज में तर्क, हर चीज में क्रिटिसाइज, हर चीज में क्रिटिसाइज, कुछ मानने को तैयार नहीं है।
और अपने को सबसे बुद्धिशाली समझते हैं, तो ये पागल का लक्षण होता है। पागल व्यक्ति कहता है मैं पागल नहीं हूं, लेकिन वो पागल खाने में होता है और पागल ही होता है। एक बार जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो एक पागल खाने का सर्वे करने के लिए गए, तो वहां देखते हैं एक पागल कह रहा था तुम कौन हो, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा मैं भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो वो पागल ने हंसते हुए कहा मैं भी जब आया था ना तो अपने को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही कहता था, आओ आओ वेलकम वेलकम। तो हर पागल को ये लगता है कि सामने वाला भी पागल है। ऐसे ही नराधम व्यक्ति जो होते हैं वो जैसी बुद्धि के होते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, अरे ये सब तो पागलपन है, ये सब तो ढोंग है, दिखावा है, तो वो जैसी उनकी बुद्धि है उनको वैसे ही समाज लगता है कि यहाँ सब चोर है, यहाँ पर कोई ऑनेस्टी नहीं है, यहाँ पर कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन नहीं, समाज में जो ईश्वरीय व्यक्ति होते हैं, जो भगवान की शरण में होते हैं, उनमें सच्चाई होती है, सत्यता होती है, और आज भी लाखों करोड़ों लोगों के अंदर वो चीज देखने को मिलती है। तीसरे प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं उनके बारे में इस श्लोक में कहा गया माया या अप्रहत ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा अप्रहत ग्रहण हर लिया गया है वो नहीं आते हैं। इसकी कैटेगरी में कौन आते हैं? बड़े बड़े राजनेता, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ये आते हैं। आप कहेंगे अरे इसका मतलब ये नहीं कि सारे वैज्ञानिक, हमारे ही इस्कॉन मंदिरों में हजारों वैज्ञानिक हैं, हजारों डॉक्टर्स हैं जो भगवान का भजन करते हैं। ये बात उनकी हो रही है जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो वो लोग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके पास अधिक ज्ञान होता है। अपने ज्ञान के अहंकार में, अपनी पोजिशन के अहंकार में अपने को ही भगवान मानने लगते हैं। कहते हैं देयर इज नो गॉड, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, हमने सर्च किया है। अरे भाई आपने रिसर्च किया है? न्यूटन लेटे थे पेड़ के नीचे, एक सेब गिरा और न्यूटन ने बोला ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण ऊपर से गिरता है सेब और नीचे आकर के गिरता है। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण खोजा, बनाया किसने? जिसने बनाया उसको भूल गए। कोई पेंटिंग बनाता है आदमी तो लोग बोलते हैं कि ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, तो पहला प्रश्न उठता है बनाई किसने? ऐसे ही ये सृष्टि इतनी सुंदर है, लोग बोलते हैं नेचर इज सो ब्यूटीफुल, बट हु मेड दिस नेचर इज नॉट ब्यूटीफुल, जिसने ये प्रकृति बनाई क्या वो सुंदर नहीं? लेकिन ये जो माया अप्रहत ज्ञानम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, ये नहीं समझेंगे कभी इस बात को। और चौथे प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते, भगवान कहते हैं आसुरम भावम आश्रितम, जिनका आसुरी भाव है, जिनके अंदर कुल धर्म को लेकर के ऐसा आसुरी भावना है जैसे हिरण्यकश्यप था। उनके घर में प्रहलाद उत्पन्न हुए, प्रहलाद भगवान के भक्त थे, लेकिन आसुरी भावना वाला, असुर का मतलब ये नहीं होता था लंबे सींग वाले, ये टीवी सीरियल वालों ने बना दिए, असलियत में असुर का मतलब तो असुरिक मेंटेलिटी है, हमारी भावना कैसी है। तो हिरण्यकश्यप बहुत सुंदर था, स्वर्ण जैसा रूप था उसका, शरीर से तेज निकलता था क्योंकि बहुत बड़ा तपस्वी था, एक अंगूठे पर खड़े होकर के उसने तपस्या करी थी हजारों वर्षों तक, हजारों दिव्य वर्षों तक। आज भी कोई योगी नहीं खड़ा हो सकता एक अंगूठे पे 1000 दिव्य वर्षों तक, लेकिन वो खड़ा हुआ। शरीर के सारी अंतड़ियां गल गई थी, लेकिन इसके बाद मांगा क्या, न दिन में मरू, न रात में मरू, न सुबह मरू, न शाम मरू, न बाहर मरू, न अंदर मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न इंसान से मरू, न पशु से मरू, 12 महीने में से कभी ना मरू। लेकिन भगवान तो भगवान है, कृष्ण तो कृष्ण है। भगवान ने कहा अच्छा तुमने इतने सारे ब्रह्मा जी वरदान दिए तो क्या मृत्यु से ऊपर विजय हो गई? मृत्यु तो ध्रुव है, जातस ही ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान को नरसिंह रूप लेना पड़ा प्रहलाद को बचाने के लिए और इस असुर को मारने के लिए। भगवान ने कहा अच्छा ना इंसान से ना जानवर से, तो ये ले मैं आधा पशु और आधा इंसान। आप बोलो ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ये लो मैंने नाखून ले आया। अच्छा ना दिन में ना रात में, तो शाम का समय, ना बाहर ना अंदर, तो घर की महल की दहलीज पर। 12 महीने में से कभी नहीं, एक नया महीना बना दिया, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बोले ले एक और महीना। आप जानते हैं मल मास आता है 3 साल में एक बार, पुरुषोत्तम अधिक मास बोलते हैं, नरसिंह भगवान ने बना दिया और उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार के जो आसुरी भावना के लोग हैं वो भी भगवान के शरण में नहीं आते हैं। तो आपके अगर आसपास कोई ऐसे हो तो आप उनसे द्वेष मत करिए, उनकी पिछले जन्मों की ऐसी दुष्कृतियां हैं कि वो भगवान की शरण में नहीं आ पा रहे हैं। उनसे प्रेम करिए, उन्हें गीता सुनाइए, उनको भगवान का नाम दीजिए, मंदिर ले जाइए और उनसे प्रेम करिए। धीरे धीरे उनके अंदर जब भगवान का कृपा होगी, शुद्धिकरण होगा, तो ये सारे के सारे भगवान की सेवा में अवश्य आएंगे। आशा करते हैं आप सुनते रहेंगे गीता वीकली। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अंदर एक महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। पिछली बार हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे कौन से लोग होते हैं जो भगवान के भक्त बन जाते हैं। हम देखते हैं अच्छे खासा जीवन जी रहे थे, अचानक से क्या मन में भावना आई और भगवान के भक्त बन गए। पहले तो तुम इतना नहीं करते थे, अब ऐसा क्यों करने लगे हो। हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अरे पहले तो तुम बिल्कुल नॉर्मल थे तो भक्त बनने के बाद लोग सोचते हैं अब ये एबनॉर्मल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक्स्ट्रा नॉर्मल है, एक्स्ट्रा उसके अंदर एक भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, कौन लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में इस बात को दर्शाया है और अर्जुन को कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभ। भगवान ने यहाँ चार लोगों का बताया है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं सुकृतनो अर्जुन, हाँ हे अर्जुन, जिनकी सुकृति होती है। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी दुष्कृति, यानी कि जिनके कर्म खराब होते हैं, लेकिन जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको सुकृति और जो खराब हैं वो दुष्कृति। तो अगर किसी ने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे काम, इसलिए लोग बोलते हैं अरे भाई अच्छा करो, भलाई करो, नेकी कर, दरिया में डाल, रिजल्ट ना भी मिले लेकिन नेकी कर, अच्छा कर। क्यों? जो सुकृतियां होती हैं उन अज्ञात अनजाने में भी किए गए अच्छे कर्मों का फल अगले जन्मों में इस रूप में उदय होता है कि व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है। हम देखते हैं भगवान ने कहा चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। पहले आर्तो, भगवान ने कहा आर्तो, आर्त मतलब है दुख, दुखी, यानी कि जब कोई व्यक्ति कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अगर कोई सुख में भगवान का भजन करने लग जाएगा तो जीवन में दुखी नहीं आएंगे। लेकिन ये दुख आते क्यों हैं? क्योंकि भजन नहीं करते हैं इस कारण से। लेकिन ये दुख आते भी हैं, अगर पिछले जन्मों की कुछ सुकृतियां होंगी, कुछ थोड़े बहुत पुण्य होंगे, तो व्यक्ति दुख में सुसाइड नहीं करेगा, दुख में व्यक्ति डिप्रेशन की गोलियां नहीं खाएगा, दुखी होकर क्या करेगा। भगवान कह रहे हैं वो चतुर्विजा भजन्ते माम, ये मेरा भजन करने लगेगा, मंदिर की ओर आएगा दुख में, और दुख में आकर के प्रभु से कहे प्रभु मेरी रक्षा करी। जैसे हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप में गजेंद्र, हाथी जो था, वो हाथी अंत समय में जब 1000 वर्षों तक उसका युद्ध उस मगरमच्छ के साथ चलता रहा, आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी, उसकी स्तुतियां पढ़ी होंगी, तो उस गजेंद्र ने 1000 वर्ष बाद जब उसको अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आई कि मैं बहुत बड़ा राजा था, मैं बहुत बड़ा भक्त था, मैंने ये क्या कर दिया, अपने अपराधों के कारण इस हाथी के शरीर में आया हूं, पर गज शरीर लेने के बाद भी उसने 1000 वर्ष के इस युद्ध के बाद अचानक से कृष्ण स्तुति करी, गोविंद को पुकारा और भगवान वहां पर प्रकट हो गए और अपने गजेंद्र की रक्षा करी। इसीलिए लोग गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं। तो आप सोचिए कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आर्त यानी दुख में भी भगवान की भजन करना चाहिए। इसीलिए लोग मंदिर में आरती लेने जाते हैं, आरती करते हैं। ये आरती शब्द का मतलब क्या है, आर्त से आता है, यानी कि हे प्रभु सारे दुखों को दूर करो, इसीलिए आरती की जाती है भगवान की। तो ये आर्त मतलब दुख, ये भगवान की शरण में आते हैं। दूसरे जो भगवान की शरण में आते हैं जिज्ञासु, यानी कि जिनके मन में कुछ प्रश्न होते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया था, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनके उत्तरों को ढूंढता हुआ व्यक्ति क्या करता है, भगवान कह रहे हैं भजन्ते माम, वो मेरा भजन करने लगते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता वीकली सुनते हैं। हम देखते हैं जब हम गीता वीकली के इन कार्यक्रमों को करते हैं, अनेकों जगहों पर गीता के प्रवचन देते हैं, हजारों लोगों के फोन कॉल आते हैं और इतनी सारी जिज्ञासाएं होती हैं, तो जिज्ञासा पर एक अनुभवहीन व्यक्ति, एक दुष्कृतियां जिनकी होंगी उसको जिज्ञासा अगर आएगी तो वो अपनी कुछ बुद्धि खुरापाती लगा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जिज्ञासा उत्पन्न होने पर उस व्यक्ति के पास जाता है जो उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, और इन जिज्ञासाओं का उदाहरण है परीक्षित महाराज। राजा परीक्षित जो कि दिल्ली के राजा थे, हस्तिनापुर के राजा थे, और वो पांडवों के वंशज थे, अर्जुन के
अभिमन्यु पुत्र थे और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे। परीक्षित को जब 7 दिन की मृत्यु का श्राप मिला तो वो मृत्यु होकर के घबराए नहीं कि अरे अरे मुझे श्राप मिल गया, मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे अपने इस का समय का सदुपयोग करना चाहिए और वो सुखदेव मुनि से शुकताल पर गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। ये है समझने वाली बात, ऐसे जिज्ञासाओं को जो शांत करते हैं। क्या हुआ? परीक्षित भक्त बन गए बहुत बड़े। आज भी लोग परीक्षित सुखदेव संवाद श्रीमद् भागवत कथाएं पूरे विश्व में सप्ताह चल रहे हैं, भागवत कथाएं हो रही है। कहां से आई? जिज्ञासाओं से आए। और हम देखते हैं तीसरे जो भगवान की शरण में आते हैं उन्हें कहा ज्ञानी। ज्ञानी भगवान की शरण में आते हैं। और ये जो ज्ञानी होते हैं ये कौन होते हैं? ज्ञानी है वो व्यक्ति जिसकी पिछले जन्म की ऐसी कुछ सुकृतियां होती हैं कि उसमें एक क्वेस्ट होती है, एक प्यास होती है कि मुझे मुझे शास्त्र जानने हैं, अपने वैदिक शास्त्र जानने हैं। और वैदिक शास्त्रों को जानने के लिए वो ललायत होता है और उस ज्ञान को पाने के लिए वो अपने गुरु की शरण में जाता है और आध्यात्मिक परंपरागत गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे इस्कॉन आज पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान कर रहा है गीता का, घर घर जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, मास मीडियम से, हर प्रकार से जन जन में गीता का संदेश उपदेश पहुंचाया जा रहा है और जो सुनना चाहते हैं वो जुड़ते हैं और गीता को श्रवण करते हैं। तो ये ज्ञानी, ज्ञानी के रूप में अगर हम उदाहरण देखें तो स्वयं सुखदेव मुनि जिन्होंने परीक्षित को ज्ञान दिया वो वेद व्यास जी के पुत्र थे और वो उन्होंने अपने पिता से ज्ञान रूप में श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया। ये हैं बहुत बड़े आचार्य सुखदेव मुनि। आज भी लोग जो हैं जानते हैं सुखदेव जी को कि सुखदेव जो थे वेद व्यास के पुत्र श्रीमद् भागवत के प्रथम जो उन्होंने वार परीक्षित को कथा सुनाई वो कथा आज तक काल क्रम में चलती चली आ रही है, सुखदेव मुनि के संवाद। तो इस प्रकार से ज्ञानी है। और भगवान कहते हैं आर्थी यानी कि धन की कामना से भी लोग मेरे पास आते हैं। आप सोच रहे होंगे शायद आप इस कैटेगरी में हैं। धन की कामना से भगवान के पास बहुत लोग आते हैं कि प्रभु मेरी जॉब लग जाए, मुझे पैसे मिल जाएं। और ऐसे लोग भगवान की शरण में आते हैं। भगवान ने कहा लेकिन मैं इनको भी भक्त मानता हूं। जैसे कि उदाहरण रूप में ध्रुव, ध्रुव जब 5 साल के छोटे बच्चे थे तभी उनके पिता ने उनको अपनी गोदी में बिठाने का प्रयास किया लेकिन उनकी सौतेली माता ने कहा नहीं, अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो जाओ मेरी गर्भ से जन्म लो, अपनी सौतेली माता की गर्भ से जन्म लो। और उन्होंने उनकी सौतेली माता ने उनके पिता उत्तानपाद की गोदी से हटा दिया। और इस प्रकार से दुखी होकर के जब वो अपनी माँ के पास गए सुनीति के पास और कहा मेरी माँ सुनीति, सुरुचि माता ने मुझे गोदी से हटा दिया पिताजी की, तो मैं क्या करूं? माँ ने कहा भगवान से मांगो। वहां पे भी देखिए क्या कहा, भगवान से मांगो। भगवान से मांगने के लिए ध्रुव चल दिए, नारद जी को अपना गुरु बनाया और बिठूर से कानपुर से चलते हुए मधुवन आए और मधुवन में आकर के भजन किया और ऐसा भजन किया 6 महीने का क्रैश कोर्स कर लिया और 6 महीने में इतनी तपस्या कर इतना भजन किया भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर के कहा ध्रुव बोलो क्या चाहते हो? तो ध्रुव बोले कि प्रभु अब तक तो मैं क्या मांग रहा था, कांच के टुकड़े, लेकिन अब तो आप मिल गए हैं हीरे जैसे, अब मुझे कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ध्रुव इसका मतलब तो ये हुआ पहले मैं लोगों को भजन करवाता हूँ और फिर उनकी इच्छा पूरी नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हें मैंने भजन भी दिया है, तुम्हें मैंने भक्ति भी दी है, पर मैं तुम्हें धन भी दूंगा। भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्षों का राज दिया। कितने? 36,000। आज लोग 5 साल के राज्य में गद्दी पाने के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, पार्टियां बनाते हैं। 36,000 साल का राज दिया, नो अपोजिशन, कोई पार्टी अपोजिशन में नहीं है। इतनी कृपा प्राप्त होती है भगवान की। और मृत्यु के बाद उनके लिए एक लोक बनाया ध्रुव लोक। तो हो सकता है आप इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में हो, जिसमें भी हो आप भक्त हैं भगवान के अनुसार, अगर नहीं है तो प्रयास करिए कि आप इन 4 में से किसी भी प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं और भजन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सबका स्वागत है और आज हम एक विशेष प्रश्न लेने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं पूजा करने की सही विधि क्या है, कौन सी विधि से भगवान का भजन किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक में इस बात का व्याख्यान किया है कि भगवान को किस प्रकार की पूजा विधि पसंद है। भगवान कहते हैं कामेस्तेस्तेरहता ज्ञाना प्रपध्यन्ते अन्य देवता
ताम ताम नियमस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं कामेस्तेतेर्हत ज्ञानः, जिन लोगों की बुद्धि इच्छाओं से, कामे कामे मतलब कि इच्छाएं, कई प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवता हैं। अब जैसे हम कभी 33 करोड़ देवताओं का नाम लेते हैं, तुरंत ही लोग प्रश्न पूछते हैं, अजी 33 करोड़, लेकिन व्हाट्सएप में तो मैंने पढ़ा था कि 33 कोटि देवता होते हैं, सिर्फ 33 प्रकार के हैं, बाकी सारे तो उनकी अभिव्यक्तियां हैं। तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, जरा वो 33 कोटि को एक बार चेक करें, उन 33 कोटि में कितने प्रकार के देवता बताए गए हैं। देवता बताए गए हैं आदित्य होते हैं, उसमें बताए गए हैं कि वसु होते हैं, सिर्फ इस प्रकार से रुद्र होते हैं, कुछ ही देवताओं का वर्णन है। आप जानते नहीं हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि हजारों हजारों रुद्र अवतार का वर्णन किया गया है, हजारों हजारों विष्णु अवतार का वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण से हजारों हजारों ब्रह्मांडों में, अनगिनत ब्रह्मांडों में विष्णु अवतरण लेते हैं। हर ब्रह्मांड में इंद्र होते हैं और एक एक ब्रह्मांड के अंदर इंद्र है, वरुण है, गरुण है, अरुण है, क्या करेंगे इनका, वरुण देवता जल के देवता, अरुण देवता सूरज के जो आगे लालिमा आती है उस रथ को चलाने वाले उनके सारथी हैं अरुण देव, उनके भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुण देव, और जल के देवता हैं हवा के पवन देवता। इन सारे देवताओं का क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति अब 33 करोड़ देवताओं का भजन पूजन करने जाए तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ की बहुत सारी पत्तियां हैं, 33 करोड़ पत्तियां हैं, अगर 33 करोड़ पत्तियों में पानी डालेगा तो पता चलेगा कि पेड़ ही सूख गया। इसलिए बेहतर है कि पेड़ की जड़ में पानी डाला जाए। भगवान कहते हैं मैं कौन हूं, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि मैं ही जड़ हूं, मैं बीज हूं, 33 करोड़ देवताओं को चलाने वाला मैं ही नियंता हूं। भगवान भागवत में कहते हैं अहम मूलम, मैं ही मूल हूं। आप सोचिए, पानी जल में डाल दिया, खाली कृष्ण की पूजा करने से अगर 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो कौन सा मार्ग बेटर है? हमारे जीवन में अगर हम रोज भी अलग अलग 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना चाहें तो हमारे पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में अगर हम पर सेकंड भी किसी एक देवता की पूजा करें तो तकरीबन 8600 सेकंड ही हमारे पास हैं, जब हम भगवान का एक एक देवताओं को पर सेकंड में पूज सकते हैं। अगर हम सांस की बात करें तो हम दिन में 25,000 के करीब एक सांस लेते हैं, तो हम 25,000 देवताओं को रोज पूज सकते हैं। लेकिन कृष्ण का भजन कर लेने से अगर 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो वही मार्ग ठीक है। और ये भागवत की पुष्टि है, पुराणों की पुष्टि है, उपनिषदों की पुष्टि है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत सुनिए, भागवत की यूनिवर्सिटी को सुनिए, भगवत गीता के ज्ञान को सुनिए, और फिर प्रमाणिक रूप से फेथफुल होकर के एंड देन आप पब्लिक के सामने इस बात को बोलिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं गीता में कामस्तेतिर्हत ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। कहीं इच्छा पूरी करनी है, कहीं पर शादी करानी है, कहीं जॉब चाहिए, कहीं प्रमोशन चाहिए, कहीं डर के कारण, कहीं इच्छा के कारण, लेकिन प्रेम कहाँ है? भगवान कृष्ण कहते हैं मैं पिता हूं और पिता की पूजा करने के लिए क्या मुझे कुछ ये बोलना पड़ेगा, मैं 1 रुपया दूंगा वो 1.25 लाख देगा, यानी कि मैं कुछ दूं तभी भगवान देगा? भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम तो मुझे अपना सब कुछ दे दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। एक बेटा अपने पिता को अपना संपूर्ण समर्पण करता है पिता का प्रेम पाने के लिए, तो ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव कहते हैं ना, ऐसा एक भजन आता है प्रेम की बात है, तो उद्धव जी को भगवान कृष्ण कहते हैं तुम नहीं समझोगे उद्धव, क्योंकि गोपियां जो हैं वो मुझसे प्रेम करती हैं, विदुर जो हैं वो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे दुर्योधन के 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे तो विदुर जी के वो साग वो केले के छिलके ही अच्छे लगते हैं विदुरानी के। तो यहां प्रेम की बात है, भगवान से प्रेम करने की जो विधि है वो विधि हमारी परंपराओं के द्वारा सिखाई जा रही है, वैष्णव संप्रदायों के द्वारा, इस्कॉन के माध्यम से लोग सीख रहे हैं। और भगवान कहते हैं ताम ताम नियम स्थाया प्रकृते नियता स्वया, और लोग जब नहीं समझते हैं
भगवान कृष्ण ने ये बात 5000 साल पहले अर्जुन को कही थी कि वो अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं और उसके बाद अपने अपने नियम बना लेते हैं, अपने अपने प्राकृत नियम बनाते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार। किसी का स्वभाव है कि वो 11 बजे सोकर के उठता है, तो उसको कोई ऐसा देवता चाहिए जो 11 बजे पूजा स्वीकार कर ले। कोई रात को जगता है तो कहता है नहीं हम तो जी शमशान की पूजा करेंगे। तो ये तीन प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीन गुणों में तीन प्रकार के स्वभाव, और इन तीन प्रकार के स्वभाव का पूरा क्लस्टर बन जाता है, आपस में क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। तीन को तीन से गुणा करो 9, 9 को 9 से गुणा करो 81, 81 को 81 से गुणा करो अनलिमिटेड प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगे आपके सामने। आप कहेंगे कितने गुण है, जैसे तीन ही रंग होते हैं लेकिन उन तीन रंगों से असंख्य रंग बन जाते हैं, बेसिक कलर तीन है, वैसे ही आप देखिए तीन गुणों से असंख्य स्वभाव बन जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं प्रकृत्याय, अपने अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार अपने अपने विशेष विधि विधान बना लेते हैं। कोई कहेगा कि जी हम तो लाल टीका लगाएंगे, कोई कहेगा हम काला लगाएंगे, कोई कहेगा सफेद लगाएंगे, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अगर कोई मेरी गीता के अनुसार जीवन जीने लग जाए 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। उस व्यक्ति को और कुछ इच्छा मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। भगवान ने यही चीज विराट रूप में अपने अर्जुन को दिखाई, पूरे शरीर में अनेक अनेक देवताओं को दर्शन कराया। अर्जुन देखकर घबरा गए, बोले अरे भगवान आपके अंदर तो मतलब सब कुछ विराजमान है, सारे देवता आपके अंदर। बोले हाँ, फिर अपने विधि विधान मत बनाओ क्योंकि मैं सारी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। कई लोग सोचते हैं शायद कृष्ण भगवान की पूजा करके तो खाली मोक्ष ही मिलता है, तो ये गलत बात है। श्रीमद् भागवत के अंदर आया है अकामा वा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। अगर कोई व्यक्ति अकामा हो यानी कि कोई कामना ना हो, अकामा सर्व कामा सारी की सारी कामनाएं ही क्यों ना हो, या फिर मोक्ष कामा चाहे मोक्ष की कामना ही क्यों ना हो, अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उधार दी तीव्रेण भक्ति योगेना, उसको तीव्रता से हरि नाम का जाप करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष कृष्ण का भजन करना चाहिए। ये मार्ग भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, अपने अपने विधि विधान मत बनाओ, क्योंकि भगवान आगे अनेक श्लोकों में इस बात को वर्णन करते हुए इसी गीता के 7वें अध्याय के भगवान 21 और 22 नंबर श्लोक में इस बात को बता रहे हैं कि अगर तुमने देवताओं से कोई फल प्राप्त भी कर लिया अंतवतम तु फलम तेषाम, वो जो फल है उसका अंत हो जाने वाला है लेकिन मैं जो दूंगा उसका अंत नहीं होगा। जैसे आपने एक बैंक से लोन लिया, आपको ईएमआई चुकानी पड़ती है, लेकिन पिता से अगर आपने कुछ बिजनेस लगाने के लिए 10 लाख ले लिए तो पिता का चुकाए ना चुकाए पिता कहता है अरे मेरा पुत्र है सब तो उसका है ले ले कोई बात नहीं। ऐसे कृष्ण देते हैं तो कोई इसकी रिक्ति के ऊपर ये नहीं कहते अरे मैंने तुझे दिया अब इसका मेरे लिए ईएमआई पे करे। ऐसे ही गोवर्धन पूजा के अंदर आप देख सकते हैं लीला में लोग इंद्र की पूजा करते थे, वो देवता था लेकिन एक बार पूजा नहीं करी, एक बार ईएमआई पे नहीं करी, बारिश कर दी पूरा वृंदावन पानी पानी जलमग्न। कृष्ण ना होते तो कौन रक्षा करता, यही शिक्षा कृष्ण ने अपनी गोवर्धन लीला में दी। इन सारी पूजाओं का जड़ है इच्छाएं, इच्छाओं के कारण जाते हैं लोग मंदिरों में, लेकिन जाना है अपने पिता परमेश्वर कृष्ण से प्रेम व्यक्त करने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, गीता पढ़िए, गीता वीकली सुनिए, यही प्रेम की अभिव्यक्ति है। पिता को इसी जीवन में पा जाइए, अपनी इच्छाओं को दूर हटाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज हम आपके सामने गीता वीकली में लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 और 25 के ऊपर चर्चा। आज हम बड़ा ही विशेष चर्चा करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो एक व्यक्ति हैं या वो एक शक्ति है। तो शक्ति है कि व्यक्ति है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को क्या बताया, भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान कृष्ण ने कहा अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, मूर्ख लोग जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, अबुद्धये जिनकी बुद्धि नहीं है वो ऐसी बातें सोचते हैं,
कि शायद भगवान पहले अप्रकट स्वरूप में थे, अव्यक्तम, लेकिन अब व्यक्त रूप में प्रकट हो गए हैं। मतलब भगवान एक शक्ति है जो कि कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देने के लिए एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए लोग बोलते हैं राम जो है ना, कृष्ण जो है ना, इनको भी कर्मों का बंधन लगता है। ये भी बिचारे, देखो भगवान राम ने छुप करके बाली को मारा, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के पैर में ना एक बहेलिए ने तीर मार दिया, एक जरा ने तीर मार दिया। इस बात में कोई भी तत्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सही से गीता पढ़ेगा वो जानेगा, भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ, मैं तीनों करों गुणों से परे हूँ, सारे कर्मों से परे हूँ। भगवान को कर्म लगता है क्या? भगवान ने तो सृष्टि की रचना करी है, वो इन कर्म के बंधनों में नहीं आते। इन लीलाओं के पीछे अलग अलग रहस्य होते हैं, तो हम उन रहस्यों में अभी नहीं जाएंगे, परंतु हर एक लीला के एक रहस्य है। भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, हमारे आचार्यों की, आप गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की टीकाओं को पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि हर चीज के पीछे एक राज है। तो भगवान कोई शक्ति नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की भगवद गीता जो लिखी और इस्कॉन फॉर्म किया, उसमें बड़ी समझदार से प्रभुपाद जी ने एक नाम दिया है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम यानी कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम शब्द को अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे, सुप्रीम का मतलब है नथिंग इज इक्वल, नथिंग इज अबव, कोई समान नहीं, कोई ऊपर नहीं, सुप्रीम। तो भगवान कृष्ण को बोला सुप्रीम। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब है भगवान कोई इम्पर्सनल नहीं है, कोई निराकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, भगवान पर्सन है, एक व्यक्ति है, संपूर्ण शक्तिशाली है, पूरे विश्व की शक्ति उनके पास है, सारी प्रकृति उनकी अध्यक्षता में काम करती है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेणे प्रकृति सूयते सा चराचरम, चलने वाली और ना चलने वाली सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ मूविंग एंड नॉन मूविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप सोच के देखिए, कृष्ण ने इतनी बड़ी बात कह दी गीता के अंदर अर्जुन को, लोग गीता घर में रखे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं और अपनी मर्जी से ही कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कैसे सुख शांति प्राप्त होगी? जीवन में सुख नहीं आ रहा है, संतुष्टि नहीं आ रही है, उसका कारण है सही मार्ग नहीं, सही दिशा नहीं, और अगर दिशा है तो दिखाने वाले नहीं, और जो दिखाते हैं उन पर विश्वास नहीं। तो इसलिए हमें इस मार्ग को पकड़ना। भगवान कह रहे हैं ऐसा लोग मूर्ख सोचते हैं कि मैं पहले अप्रकट था और अब प्रकट हो गया हूं। भगवान शुरू से प्रकट हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष रूप में भगवान अपने धाम गोलोक में रहते हैं और अपनी शक्ति को संसार में प्रकट करते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं, बड़ा ही सरल उदाहरण है। एक बार एक गांव में एक ट्रेन आई, जब ये ट्रेन रेलगाड़ी नई नई बनी थी तो एक गांव में पहुंची और वहां के जो मुखिया जी थे उन्होंने बोला भाई हमारे गांव में ना एक ट्रेन आने वाली है, तो जाइए तुरंत जाकर देखिए कि ट्रेन होती क्या है। तो एक व्यक्ति को भेजा और मुखिया के कहे अनुसार वो भागा, भाग करके जाकर देखा रेलवे स्टेशन के बाहर, अरे ट्रेन मतलब एक पटरी के ऊपर एक बहुत बड़ी सी लाइट आ रही है। कहा मुखिया जी ट्रेन, पता चल गया एक बड़ी सी लाइट जो रेलवे ट्रैक पर चलती है, पटरी पर चलती है, वो गाड़ी होती है। मुखिया जी बोले मुझे लगता है तेरी बात तो अधूरी है, दूसरे व्यक्ति को भेजा, तुम जाओ जरा पता करो गाड़ी क्या है। दूसरा व्यक्ति गया, जाकर के देखता है कि रेलवे ट्रैक पे लाइट है, लाइट अब आगे आ गई और उसके पीछे एक एक बहुत सारी 24 बोगियों की 20 बोगियों की बड़ी सी ट्रेन है। अच्छा ये होती है ट्रेन। वो भी गया जाकर बोला मुखिया जी ये गलत बोल रहा है, सही बात ये है लाइट के पीछे बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं, वो ट्रेन है और उसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं। कहा अभी भी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी है, किसी और को भेजता हूं। तीसरे व्यक्ति को भेजा, कहा तुम जाओ। वो गया जाकर के देखा और उसने जब देखा पता लगाया कि अरे इन सारे डब्बों को खींचने वाला तो आगे इंजन है और इंजन को चलाने वाला भी एक ड्राइवर है। ड्राइवर के उतरते ही गाड़ी रुक जाती है और ड्राइवर के अंदर बैठते ही इग्निशन शुरू करते ही गाड़ी पूरी की पूरी चलने लग जाती है। ये सारे के सारे लोग एक ड्राइवर पर निर्भर है। उसको समझ में आया, आकर के उसने कहा कि मुखिया जी ये होती है गाड़ी कि एक ट्रैक के ऊपर इंजन होता है, इंजन के पीछे बोगियां होती है, बोगी में लोग होते हैं, यात्री अपने अपने स्टेशन पे उतरते हैं और जो इंजन होता है उस इंजन के चलाने वाला एक ड्राइवर है और ड्राइवर प्रधान है, ड्राइवर उतर जाए तो गाड़ी बंद हो जाती है।
तो मुखिया ने कहा तुम सही कह रहे हो। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में कहा गया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इन तीन रास्तों से भगवान को लोग समझते हैं। ब्रह्मेति यानी कि लाइट के रूप में भगवान को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी ट्रेन की पूरी अभिव्यक्ति को जानते नहीं है, इसलिए वो खाली लाइट ही भगवान है। शक्ति है प्रभु, बड़ी शक्ति है, बड़ी रोशनी है प्रभु, आप में लीन हो जाओ। ये बातें वही करते हैं जो लाइट के आगे देख नहीं पा रहे हैं। अब जो आगे देख पा रहे हैं वो कहते हैं अरे भगवान तो समान है, समान है, किसी भी रूप से भज लो, यथा मतः ततः पता, जैसा मत है वैसे ही पथ है। तो ये सारे के सारे लोग अपने अपने विधि विधान बना लेते हैं, जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था। लेकिन यहां पर समझदार व्यक्ति कौन सा था? आप कहेंगे तीसरा वाला, जिसने ट्रेन को सही रूप से व्याख्यान किया, ये ईश्वर है। ईश्वर यानी कि कृष्ण है। और यही बात हम अगर समझ जाएंगे कि कृष्ण वो हैं जिनकी इच्छा से ये सारा संसार अपने अपने जन्म के समय ट्रेन में बैठ रहा है, जन्म से मृत्यु की यात्रा करता है, मृत्यु आने पे फिर ट्रेन से उतर जाता है। इस ट्रेन को चलाने वाले हैं ईश्वर कृष्ण, और कृष्ण के पीछे सारी बोगियां ब्रह्मांड स्वरूप है, और इन ब्रह्मांड स्वरूप के आगे भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, भगवान से शरीर से निकलने वाला एफल्जेंस कहते हैं। तो आप देखिए, क्या भगवान व्यक्ति से अव्यक्त हुए हैं या व्यक्त से अव्यक्त हो रहे हैं? तो ये बात अबुद्धिशाली जो लोग हैं, भगवान कह रहे हैं वो ऐसी बातें करते हैं, और अपने अल्पज्ञ ज्ञान के कारण, अपने कम ज्ञान के कारण मुझे अविनाशी मानते हैं। सोचते हैं अरे भगवान तो पैर में तीर लग गया, वो मर गए। अरे भगवान दिव्य है, वो कभी मरते नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति के पैर में तीर लगकर आज तक कोई मरा है, अरे भाई पैर में तीर लग भी जाएगा, आपके पैर में ब्लेड लग जाए तो क्या मर जाएगा व्यक्ति? पैर कट जाएगा आदमी का, लेकिन मरेगा नहीं। और भगवान तो दिव्य है, उनको तो कोई चीज स्पर्श ही नहीं कर सकती है। भगवान जो 64 करोड़ सेना को कुरुक्षेत्र में मार आए, तीर से मर गए। मतलब कमाल के लोग हैं, किस प्रकार से भगवान को व्यक्त करते हैं। अबुद्धिशाली ये, जिनके पास बुद्धि नहीं है, ये बुद्धिहीन लोग हैं। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, गीता के 7वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, ऐसे मूर्ख मुझे कभी देख भी नहीं पाएंगे। नाहम प्रकाशाय सर्वस्य योग माया समावितम मूढ़ो नाभिजानाति लोको माम अव्यम। भगवान कहते हैं ये मूर्ख लोग मुझे समझ भी नहीं पाएंगे। नाहम प्रकाशाय सर्वस्य, सबके सामने मैं प्रकाशित भी नहीं होता हूं। भगवान अपने को रोक के रखते हैं, कह रहे हैं इन मूर्खों को क्या बताऊं, है उन्हीं को बताऊंगा जो मुझे समझते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं मूढ़ाम न अभी जानाती, मूर्ख लोग मुझे जान नहीं पाते। हम किस कैटेगरी में? हम मूर्ख हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गीता है हमारे पास, फिर क्या चीज है हमें मूर्ख बना रही है? सिर्फ हम इसको पढ़कर समझ नहीं पा रहे। इसे बुरा मत समझिए, इसको पर्सनली मत लीजिए कि हमें मूर्ख कह दिया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गीता के शब्द है। मूढ़ो न अभी जानाती, मूर्ख लोग मुझे जान नहीं पाते। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन था, महाभारत का युद्ध देख रहा है, कृष्ण की गोवर्धन लीला सुन चुका है, कृष्ण ने हजारों हजारों असुरों का वध किया, लेकिन जब शांति दूत बनकर के भगवान पहुंचे और भगवान ने कहा कि बताओ दुर्योधन, तुम ये युद्ध करना चाहते हो? पांडवों को 5 गांव दे दो, बेचारे क्यों लड़ाई में तुम उनको लगाना चाहते हो, वो लड़ना नहीं चाहते। कहा नहीं, लड़ना पड़ेगा, अब तो सुई की नोक के बराबर जगह भी चाहिए, तो लड़ो और लो, बिना लड़े तो जीने नहीं दूंगा। अब गर्दन ही दबा देगा कोई तो फिर क्या करें? भगवान कृष्ण का ठीक है, चलो युद्ध कर लो। अब ये सोचने वाली बात है कि दुर्योधन के सामने कृष्ण थे और शांति दूत बनकर गए। दुर्योधन कहता है पकड़ लो इस ग्वाले को और रस्सियां बांध दो, इसके जकड़ लो इसको, हथकड़ियां बांध दो। सैनिक भागे, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, पूर्ण विराट नहीं था, आधा अर्ध विराट रूप दिखाया। अर्ध विराट रूप देखा, इतना तेज देखा, कह रहा है एक ग्वाले कौन सी माया है तेरी, बंद कर ले इस रोशनी को, शरणागति नहीं करी। ऐसे ही लोग देख रहे हैं कृष्ण की कृपा कितनी महान है, शास्त्र में कृष्ण क्या कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मूर्ख है, समझदार नहीं है, तो शरणागत नहीं होते। इसलिए भागवत में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान के शरण में चला जाए, भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं, अथापि तदेवा पदाम्बुजं द्वये प्रसाद लेशा अनुग्रीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान मही मनोना चान्यम एको अपि चिरं विचन्वनः। भगवान कह रहे हैं
अथापि तिदेवाम पदाम भुजम दोए, जो आपके दो पदाम भुज यानी कमल चरण की शरण में आ जाए, ये प्रसाद लेशाम, ये इतना कृपा मिल जाती है उस व्यक्ति को, लेकिन जब तक आपकी कृपा ना हो वो आपको समझ नहीं सकता। तो हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु कृपा करो, तो ये बोलना चाहिए प्रार्थना में, भगवान मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, मैं मूर्ख हूं, मूढ़ बुद्धि हूं, मैं कैसे आपको समझूं, ये आप मुझ पर कृपा करें। और इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान आवरण हटा देंगे और फिर कहेंगे ये लो तुम्हारे सामने मैं प्रकट हूं और अब तुम मेरे इस ज्ञान को देख सकते हो। ऐसे अर्जुन को भगवान ने पूर्ण ज्ञान गीता का दिया और आज हम श्रील प्रभुपाद के माध्यम से उनकी कृपा से इस ज्ञान को ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपको दे पा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम बड़े ही विशेष श्लोकों पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवद गीता का ये सातवें अध्याय के बड़े विशेष श्लोक हैं। सातवें अध्याय का श्लोक संख्या 27 और 28। इसमें भगवान ने एक बड़ी विशेष बात बताई है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारा जन्म हुआ है संसार में, किस कारण से हमें यहाँ पर भगवान ने क्यों भेज दिया, क्यों हम आ गए हैं संसार के अंदर, भगवान ने हमें बनाया था, इतने दुख हमको क्यों दिए, ऐसे प्रश्न उठते हैं। और उन प्रश्नों के उत्तर पे भगवान बता रहे हैं कि ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि आप जो जीवात्मा है आपके अंदर ये दो प्रकार के लक्षण थे जिसके कारण मैंने ये भौतिक संसार बनाया जिसमें आप अब रहते हैं। अब क्या कहते हैं भगवान, सुनिए। भगवान कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयान्ति परन्तपः। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इस संसार की सृष्टि हुई है हे भरतवंशी, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न, इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न। हमने भगवान से कुछ इच्छा करी और हमने भगवान से थोड़ी घृणा कर ली। कैसे घृणा कर ली, हमने भगवान से कहा भगवान आप ही अकेले इस संसार के मालिक रहेंगे, हमें भी संसार का मालिक बनने का मौका दीजिए, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। अब एक मयान में दो तलवार तो रह नहीं सकती। भगवान बोले देखो अगर तुमको अलग से मालिक बनना है, मेरी शरणागत में नहीं आना है, तो जाओ तुम्हारे लिए एक भौतिक संसार बना देता हूँ। और भगवान ने हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड बना दिया और इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमने इच्छा करी और हमने घृणा करी, हमने बोला नहीं। और आज भी अगर हम देखें ये गुण आज भी हमारे अंदर विराजमान है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा था मूर्ख लोग भगवान के निशरण में नहीं आते हैं, तो ये बात सच है। वो कौन होते हैं? क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं बहुत है, उनके अंदर घृणा की भावना है। भगवान को प्रणाम करना, अपने परम पिता के शरण में चले जाना, इस बात को आज का एडवांस्ड व्यक्ति समझने को तैयार नहीं। और अगर वो चला जाए तो उसको सुख मिल जाएगा। एक साइड सुख है, एक साइड दुख है। वो दुख को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन सुख के रास्ते पे जाना नहीं चाह रहा, लेकिन दुख की ओर भाग रहा है, लेकिन इच्छा है कि सुख मिल जाए, लेकिन सुख तो दूसरी ओर है, जो सुख है वो लेना नहीं चाह रहा। कभी आप बताइए कि आप किसी ऐसी दुकान पर जाएं जो कि केमिस्ट दवाइयों की दुकान हो, मेडिसिन की दुकान, और उस पर जाकर बोले भाई 5 किलो फल दे दो, मुझे एप्पल दे दो, बनाना दे दो, चीकू दे दो, एक एक किलो 5 प्रकार के फल दे दो। वो कहेगा जी फल की दुकान पर जाइए, आप दवाई की दुकान पर आए। ऐसे ही हम इस संसार का भगवान ने नाम दिया है दुखालय, दुखों का घर। इस दुखों के घर में सुख की कामना कर रहे हैं जबकि हम दुखी ही होना चाह रहे हैं, सुखी होना नहीं चाह रहे, क्योंकि सुख जो है उसका तो रास्ता ही अलग है। सुख का रास्ता है आत्मा को समझना, यानी कि हम एक आत्मा है। अगर हम ये समझ जाएं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा कर्तव्य है भगवान की शरण में जाना, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है घृणा और इच्छा, इस रास्ते पर भक्ति के रास्ते पर घृणा लगती है। अरे 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 अरे, ये जो फेल हो जाते हैं ना संसार में वो लोग भक्ति का रास्ता पकड़ते हैं, जो लोग कुछ कर नहीं पाते ना वो हैं। अरे ये ढोंगी है, ढोंगी इन रास्ते पे नहीं जाना है,
हम तो बड़े अच्छे हैं ना, रात को पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बार में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, मूवीज देखते हैं, वैसी मूवीज देखते हैं जिनको हम अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते। इससे हम एडवांस हो जाते हैं क्या? फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। आज हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं, लोग डिप्रेस स्टेट में है। क्या कारण है? यही सब काम करते थे। ये आपको सुख नहीं देने वाला। ये आपको हो सकता है मोमेंट्री खुशी देता हो, क्योंकि आप ऐसी एसोसिएशन में रहते हैं, लोग बोलते हैं ले ले बेटा ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन ये डिप्रेशन स्टेट है। हम संसार से भागने के लिए हेल्यूसिनेशंस में जाना चाहते हैं, हम ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं लोग। तो इसलिए हमें बचना है इस रास्ते से, हमें अल्कोहल और ऐसी वस्तुओं से दूर रहना है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार से घृणा है, और ये कभी समाप्त भी नहीं होने वाली है। तभी समाप्त होगी जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। और इससे क्या होता है? इससे द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। द्वंद्व सर्वभूतानि, जितने भी लोग हैं ये द्वंद्व और मोह में फंस जाते हैं। मोह यानी कि अटैचमेंट, बहुत आसक्ति हो जाती है अपने अपनी हैबिट्स से, अपनी अपनी अपने अपने जो प्रोफेशन है, इतना ज्यादा अटैच्ड है अपनी फैमिली से, छोड़ना ही नहीं चाहता। ये पुत्र मेरा, ये पुत्री मेरी, मेरी इच्छा अनुसार इन्हें काम करना चाहिए, उनको कंट्रोलर बनना चाहते हैं हम। और ये सारा स्ट्रगल है, द्वंद में रहते हैं, ड्यूअलिटी में रहेंगे, ये करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो ये किससे उत्पन्न हो रहा है? भगवान कह रहे इच्छा से और द्वेष से ऐसे सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो करें क्या? भगवान ने अगले श्लोक में बताया, भगवान कहते हैं एशाम तु अंतगतम पापम। भगवान 28 नंबर श्लोक में सातवें अध्याय के कहते हैं जिनके पाप समाप्त हो गए, येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे और उन पुण्य का उदय होने का समय आ गया, पुण्य उदय हो गए और अंतगतम पापम, पाप अंत हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ते द्वंद मोह निर्मुक्त। ये व्यक्ति द्वंद्व से, ड्वेलिटी से और अटैचमेंट से मुक्त हो पाएगा, वरना 99% लोग इसी अवस्था में फंसे रहेंगे। और जो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होंगे, भजन्ते माम दृढ़व्रताम, वही दृढ़ व्रत होकर, डिटरमाइंड होकर के मेरा भजन कर पाएंगे, मेरे रास्ते पर आएंगे, सुख के रास्ते को प्राप्त करेंगे, आनंद के रास्ते को प्राप्त करेंगे। अन्यथा स्ट्रगल 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 एंड डेथ। Never struggle stops। मृत्यु आ जाएगी, स्ट्रगल नहीं रोकेगा। जब छोटे बच्चे थे स्कूल में बोला जाता था बस स्कूल ओवर कर लो, फिर उसके बाद में कॉलेज में तो मस्ती करना, कॉलेज में आए तो बोले अरे प्रोफेशनल करियर चुनो ना, फिर उसके बाद प्रोफेशन में आ जाओ फिर मस्ती करना, प्रोफेशनल करियर में आए फिर ग्रोथ ले लो एक बार फिर मस्ती करना। ग्रोथ ले ली, हाई पाई पोजीशन पे आ गए, डायरेक्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, कमिश्नर बन गए, अपने हेड बन गए किसी डिपार्टमेंट के, देन व्हाट? उसके बाद में कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि अरे भाई वो व्यक्ति इतना कमा रहा है, मैं इतना कम क्यों कमाता हूं। फिर लोग कहेंगे ना शादी कर लो, शादी करके सुख मिल जाएगा, शादी कर ली, फिर लगता है ये क्या कर लिया, उनसे कर लेता, उनसे कर लेता। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो जाएं, बच्चों का एक बार करियर सेटल कर दूं, फिर करियर सेटल हो गया, फिर रिटायरमेंट हो गया, हाय हाय मैंने तो कुछ अपने लिए फाइनेंस ही नहीं जोड़ा। पूरा जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है साहब, अंत आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। अब क्या करना है? समझदारी यही है कि आज हम डिसीजन लें that I have to walk on a path of righteousness। मुझे सत्यता, truth के रास्ते पर चलना है। और सत्य है सत्यम परम धीमहि, सत्य है भगवान, सत्यम परम जयते, भगवान ही विजय प्राप्त कराएंगे आपको, वरना फंस जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। तो भगवान कह रहे हैं लेकिन ये कर कौन पाएगा? जिसके पाप समाप्त हुए होंगे, जिसके पुण्य उदय हो गए होंगे। अब कोई व्यक्ति कहे जी मेरे तो पाप बहुत है, पुण्य मैंने किए नहीं, मैं कैसे भजन करूंगा, कैसे दृढ़व्रत होऊंगा? तो अगर कोई व्यक्ति आज दृढ़व्रत होकर के ना भजन करे लेकिन भजन करने लगे, गीता पढ़ने लगे, तो गीता में इतनी शक्ति है, भगवान के हरि नाम जाप में इतनी शक्ति है कि आपके पापों का अंत कर देगी। एक भगवान का नाम समूल पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो भगवान का नाम जप करने से पाप नष्ट हो गए, पुण्य मिल जाएंगे, भक्ति और पुण्य मिल जाएंगे, और अब क्या होगा? फिर आप द्वंद से और मोह से बच जाएंगे, और इस प्रकार से आप दृढ़ होकर के भजन करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे, सुख आनंद को प्राप्त करेंगे, और फिर अपने अंत काल में भगवान के धाम को वापस जाएंगे, सुकून भरा जीवन होगा। चाहिए या नहीं चाहिए, चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है, चुनाव आपको करना है, इस रास्ते पर जाना है या स्ट्रगल के रास्ते पर जाना है। हरे कृष्णा।